बंधु आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2024 में कब है। बंधु इस बार फिर से कृष्ण जन्माष्टमी की डेट को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन चल रहा है। कोई कह रहा है कि जन्माष्टमी 26 अगस्त की है, जबकि कुछ लोग इसे 27 अगस्त की मनाने को बोल रहे हैं। बंधु आप सभी जानते हैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, अर्थात इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म के रूप में उत्सव मनाए जाते हैं। इस दिन मथुरा समेत देश भर में बहुत ही उत्साह होता है। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की विशेष रूप से पूजा की जाती है, ये तो आप सभी जानते हैं। बंधुओं कहा जाता है इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा करें और उसके बाद व्रत अवश्य करें। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को ही भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। बंधुओं अब मैं आपको बताऊंगी कि जन्माष्टमी कब मनाएं। बंधुओं पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त को सुबह 3:39 पर होगी। वहीं इसका समापन 26 अगस्त की रात 2:19 पर होगा। ऐसे में जन्माष्टमी 26 अगस्त को ही मनाई जाएगी। बंधुओं जो कोई भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर देते हैं। बंधुओं अब मैं आपको जन्माष्टमी की पूजा विधि बता रही हूँ। इस दिन आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें और दिन की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से ही करें। इसके बाद स्नान कर सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब आप अपने मंदिर की सफाई करें और चौकी पर भगवान श्री कृष्ण को स्थापित करें, अर्थात विराजमान करें। विधि पूर्वक गंगा जल पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। बंधुओं अभिषेक के समय यदि आपके घर में शंख है तो आप भगवान को शंख से ही स्नान कराएं, अर्थात अभिषेक करें। अब भगवान को मुलायम से वस्त्र से पोंछे। जैसे आप नहाने के बाद स्वयं अपने शरीर को तौलिए से पोंछते हैं, अब भगवान को गोपी चंदन से तिलक लगाएं, उनका श्रृंगार करें, फूल माला अर्पित करें, उनके समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं और उन्हें तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं, फलों का भोग लगाएं और फिर पूरा दिन कन्हैया के नामों का जाप करें या फिर कोई भी भगवान के मंत्र को जपें। हो सके तो किसी की निंदा चुगली ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। बंधुओं और रात के समय 12 भगवान का फिर से अभिषेक करें। ऐसे में आप पहले स्वयं स्नान करें, फिर भगवान को स्नान करवाएं पंचामृत से और फिर सादे जल से स्नान करवाएं। फिर भगवान की पूजा अर्चना करें, धूप दीप करें, भगवान को झूला झुलाएं, भगवान के नामों से भगवान का स्मरण करें, अर्थात किसी भी कृष्ण मंत्र से भगवान की स्तुति करें। फिर आरती उतारें और भगवान को धनिया की पंजीरी का भोग लगाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं, फलों का भोग लगाएं, खीरे का भोग लगाएं। बंधुओं फिर भगवान से प्रार्थना करें, आपकी जो इच्छा है वो भगवान से कहें। ऐसा करने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। बंधुओं अब मैं आपको कृष्ण जी के मंत्र बताने जा रही हूँ, जिसे आप जप सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। एक भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है, जिससे आप सभी संकटों से छुटकारा पा सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बंधुओं यदि आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो भगवान आपको सभी संकटों से उबारेंगे। इसके साथ ही यदि किसी के यहाँ संतान नहीं है तो वे इस दिन लड्डू गोपाल के 1000 नामों का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से आपके यहाँ संतान जरूर होगी। पूर्ण विश्वास सच्ची श्रद्धा के साथ ही करें, तभी आपकी मनोकामना
पूर्ण होगी। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलना। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।